ह्यूमैनिटेरियन एतबार से तो ये भी बताएं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में एज वेल एज फॉर पाकिस्तान, क्या हमारे लिए बेहतर होगा कि इन केस जो बाइडेन आते हैं या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा री इलेक्ट होते हैं, तो इन आवर केस एज वेल एज द ग्लोबल पर्सपेक्टिव आप क्या किसकी तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? क्योंकि एटलीस्ट वोकली स्पीकिंग तो जो बाइडेन काफी, वैसे भी डेमोक्रेट्स भी देर क्वाइट ह्यूमेन इन देर अप्रोच, जो एटलीस्ट वो लोग बात करते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट बात करते हैं. दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स का एक जाहिर है एक अपना उनका पॉपुलरिज्म और पॉपुलिस्ट एक वोट है. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट सर? जी देखें, ग्लोबल लेवल पर तो शायद अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आए तो थोड़ा सा जो अब चीन के साथ इन्होंने जो कॉन्फ्रंटेशन ली है शायद उसमें कुछ टेम्परेचर कम हो जाए, टेंशन्स थोड़ी सी रुक जाए. पर हमारे लिए हमने ये देखना है कि यूएस पॉलिसी यहाँ तक के हिंदुस्तान के तरफ वो एक कंसेंसस है वहाँ कि हिंदुस्तान से वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएंगे. ये 15 साल से चल रहा है, ये कोशिश जारी रहेगी या बाइडेन हो या ट्रंप हो. तो हमने ये समझना चाहिए ऑब्वियसली एडजस्टमेंट्स होंगी, कुछ पॉलिसीज में एडजस्टमेंट्स होंगी. शायद बाइडेन अगर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन हो वो ह्यूमन राइट्स पे कुछ कभी कदार कुछ बात कर लें. पर ब्रॉड जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है वो हमारे लिए बदलेगी नहीं. अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये भी